संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक चंडीगढ़ में हुई है और अलग अलग राज्यों से यहां पर किसान नेता पहुंचे हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, ये भी खास तौर पर यहां पर आज की मीटिंग के लिए पहुंचे थे और इनसे बातचीत करेंगे। टिकैत जी, किस तरह देखते हैं जो माहौल यहाँ पर बॉर्डरों पर देखने को फिलहाल किसानों के बीच और सरकार के बीच मिल रहा है? देखो, सरकार दबाना चाहती है किसानों को, किसान दबेगा नहीं, वापसी नहीं जाएगा किसान, ठीक है जी। ये है कि बगैर बातचीत और समझौते के किसान वापसी जाएगा ही नहीं जी। और अगर बात की जाए तो आज मीटिंग भी आप लोगों की हुई है, क्या कॉल दी गई है? कॉल ये दी गई है कि कल अपना काला दिवस मनाओ, जो बच्चा हमारा शहीद हुआ सरकार के खिलाफ, 26 तारीख को ट्रैक्टर हाईवे पर निकाल कर लेकर आओ और 14 मार्च की दिल्ली की एक कॉल करो, वहाँ पर लोग सब जाएंगे और उसके बीच में पूरे देश भर में अपनी मीटिंग करो, ये यहाँ से कॉल दी गई है। ठीक है जी, देखा जा रहा है कि यहाँ पर बॉर्डर्स पर, चाहे वो शंभू हो चाहे वो खनौरी हो, वहाँ पर जो हालात हैं, जिस तरह से देखा गया कि ड्रोन जो है यहाँ आकर के आंसू गैस के गोले भी फेंक रहे हैं और जो छर्रे हैं वो भी चलाए गए हैं, तो उस हालातों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ हरियाणा और किसान ही आपस में है? वो गलत है, पूरा नेचर लेयर उसी का ही विरोध पूरे देश भर में हो रहा है भाई, उसी का तो विरोध हो रहा है, जो आप लोग दिखा रहे हो तो उसी का तो विरोध हो रहा है पूरे देश में। कहना है कि सिर्फ पंजाब के जो किसान है वो यहाँ पर आकर के जो है वो कर रहे हैं, इस आंदोलन को पंजाब का बनाना चाहते हैं, इस आंदोलन को हमको पंजाब का नहीं बनने देना, ये पूरे देश का इशू है। ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जिनसे बात करी हमने और जो जाना, उनका कहना है कि ये जो आंदोलन है ये पूरे देश का है और इसके लिए अलग अलग जथेबंदियों की तरफ से कॉल भी दी गई है और आगे जो है सरकार भी इसे समझे कि ये सिर्फ पंजाब का ही आंदोलन नहीं है बल्कि अन्य राज्य के जो किसान हैं वो भी आकर के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हर समय।